हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, ये क्लास थ्री का साइंस बुक है, चैप्टर 6.2। ये लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में दिया हुआ है क्लोथ्स वी वेयर, कपड़े जो हम पहनते हैं। तो कई तरह के कपड़े हम पहनते हैं और हमारा देश जो है इसमें अनेक प्रकार के रीति रिवाज है, कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं और कई तरह के मान्यताओं को मानते हैं। तो उस अनुसार जो है वो कपड़े भी पहनते हैं, कपड़े में उनका बदलाव आ जाता है। तो कई सारे स्टेट होने की वजह से स्टेट के लोग भी अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे कपड़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बतलाया गया है, जैसे कि पुराने लोग जो है उन लोग गुफा में रहा करते थे तो अपने शरीर को ढकने के लिए बड़े बड़े पत्ते जो होते थे वो या तो लपेट लेते थे या पेड़ के छाल लपेटते थे। इसके अलावा नहीं तो फिर जानवरों के स्किन, उसकी चमड़ी को पहना करते थे और धीरे धीरे जो है कपड़े बनाने के लिए सीखने लगे। और इस तरह से कपड़ों में कॉटन कपड़े आ गए और ऊनी कपड़े आ गए, सिल्क कपड़े आ गए। इस तरह से ये सारे कपड़े जो है हमें पेड़ पौधों से प्राप्त फाइबर से ये कपड़े बनते हैं। और कॉटन जो होता है वो प्लांट से हमें मिलता है और ऊल जो होता है मतलब ऊन जो होता है वो सीप से मिलता है और सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है। इस तरह से यहाँ पे बतलाया गया है। तो और बाद में जो है और कपड़ों के लिए रेशे जो है केमिकल से बनाए जाने लगे, जिसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, जिसमें कि नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर और भी इस तरह के कई सारे आते हैं। तो ये सारे जो केमिकल फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, वो आसानी से टूटते नहीं, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो इस तरह से और औरतों में जो है पहनने का अलग अलग जो है कपड़े होते हैं, ड्रेसेस पॉपुलर होता है, जैसे कि ओमेंस पॉपुलर है कई सारा। ओमेंस में मुख्य रूप से साड़ी पहना जाता है, सलवार कमीज, इस तरह के कपड़े महिलाएँ पहनती हैं। और पुरुष जो होते हैं वो मुख्य रूप से शर्ट पैंट पहनते हैं, धोती कुर्ता हो गया या कुर्ता पजामा, इस तरह के कपड़े हमारे देश में पहने जाते हैं। और इसके अलावा कई ऐसे सपोर्टिंग कपड़े होते हैं जो हमारे देश के लोग उसको यूज करते हैं, जैसे कि अनस्टिचेबल मतलब वो सिया हुआ नहीं रहता है। जैसे कि ये साड़ी जो है वो सिया हुआ नहीं होता है, वो एक लंबा सा पीस होता है और उसको लपेटते हैं लोग, महिलाएं जो है इस तरह से पहनती है अनस्टिचेबल क्लॉथ में वन बाई पीपल डिफरेंट। जैसे कि साड़ी हो गया जो कि लपेट के पहना जाता है, स्पेशली वो किसी तरह का सिया हुआ नहीं रहता है। तो ये जो है नेशनल ड्रेस हो गया हमारे देश का, भारत का, इंडिया का जो है नेशनल ड्रेस हो गया, जो कि महिलाएं लगभग लगभग पूरे देश में पहनती हैं। लुंगी हो गया, तो लुंगी अलग अलग स्टाइल में हमारे देश के जेंट्स जो होते हैं उन लोग पहनते हैं। तो लुंगी का भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, जैसे कि यहाँ पे तमिलनाडु में उसको विस्ती कहा जाता है, विस्ती, और कर्नाटका में मुंडू कहा जाता है, पंजाब में उसको तेहमत कहा जाता है, इस तरह से अलग अलग है। और धोती कुर्ता पहना जाता है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन सब जगहों में धोती और कुर्ता ज़्यादातर लोग जेंट्स लोग पहनते हैं। टर्बन, टर्बन जो है बहुत अलग अलग जगहों में यूज होता है, ये टर्बन मतलब पगड़ी हो गया। तो ये भी अनस्टिचेबल होता है, मतलब कोई किसी भी तरह से सिला हुआ नहीं होता, उसको मोड़ के बनाया जाता है, जो लोग जानते हैं वो बनाते हैं, उसको पगड़ी कहा जाता है। हेड गियर ऊपर माथे पे लगाया जाता है, इट इज़ वॉर्न इन डिफरेंट स्टाइल इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से उसको डिज़ाइन बना के पहना जाता है। इसके अलावा दुपट्टा हो गया अनस्टिचेबल में, ये किसी तरह से भी सिया हुआ मोड़ा हुआ नहीं रहता है, सीधा एक कपड़ा पीस होता है और इसको लड़कियां विशेष करके उपयोग करती हैं। अनस्टिचेबल क्लॉथ वर्न बाय ओमेन टू कवर देयर हेड एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी पर इस तरह से वो रखे रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओढ़नी एंड चुन्नी, और इसको ओढ़नी और चुन्नी के नाम से भी जाना जाता है ये दुपट्टा को। आगे यहाँ पर दिया हुआ है अनस्टिचेबल क्लॉथ मतलब सिया हुआ नहीं रहेगा, इस तरह से वन पीस रहता है तो शॉल हो गया, शॉल ओढ़ने के काम आता है और उसको जेंट्स और वोमेन दोनों ही उसको उपयोग करते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, तो कपड़ों में किस तरह से कलर लगाया जाता है, उसको कलरफुल किया जाता है, रेड, ब्लू, येलो, आर बेसिक कलर। मुख्य रूप से मुख्य कलर जो होता है वो तीन कलर होता है, रेड, ब्लू और येलो, लाल, नीला और पीला। तो सभी अलग अलग तरह के कलर्स और भी होते हैं, इसी से ही सारे कलर्स बनते हैं, इन तीनों से सारे कलर्स बनते हैं। रेड एंड येलो गिव्स गिव ऑरेंज, तो अगर रेड येलो को मिला दिया जाए तो ऑरेंज बन जाएगा, इस तरह से सारे कलर जो इसी से बनते हैं। और इस क्लोथ कलर मतलब कपड़ों कैसे कलर किया जाता है, तो इसको कलर करने के लिए सोल्यूशन ऑफ वाटर, उसको पानी में मिलाया जाता है, डाइज, जैसे कि डाई जो होता है, एंड केमिकल, या तो केमिकल उसमें केमिकल से कलर बनता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से प्लांट से भी बनता है, डाइज कैन में विथ केमिकल, केमिकल से बनता है और विथ वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, या तो वेजिटेबल से कलर बनता है या फिर फ्लावर को यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए। और वेजिटेबल्स और फ्लावर से जो कलर बनता है उसको नेचुरल डाइज कहते हैं।
और सम इम्पॉर्टेंट विच नेचुरल डाइज आर ऑब्टेन, तो यहाँ पे किस तरह के नेचुरल डाइज हमें प्राप्त होते हैं। नेचुरल इंडिगो होल प्लांट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग कलर, इस प्लांट को इंडिगो कलर जो होता है नील वाला जो पौधा होता है उसको पूरी तरह से रंगने के लिए ही उपयोग किया जाता है। और मदर हो गया जिसमें से रेड पिंक ऑरेंज इस तरह से कलर प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद कमला हो गया, तो इससे जो है ऑरेंज येलो और गोल्डन कलर इसमें से तैयार किया जाता है। उसके बाद इसको जो है कमला इसको सिल्क कपड़े को भी कलर करने का काम किया जाता है। उसके बाद लेक हो गया फ्रॉम दिस रेड एंड वायलेट कलर आर ऑब्टेन, इससे जो है रेड और वायलेट कलर प्राप्त किया जाता है। माइरोबलम येलो ग्रीन कलर ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट, इस प्लांट से अलग अलग प्लांट हैं, सारे प्लांट जो हम लोगों को पता नहीं चलेगा, ये इन सारे प्लांट से जो कलर तैयार किया जाता है। केचीचू तो ये ब्राउन कलर इससे लिया जाता है। ब्लूबेरी जो है पर्पल कलर ऑब्टेन, और इससे ब्लूबेरी से जो है ऑब्टेन कलर लिया जाता है। ब्लूबेरी जिसको जामुन हम लोग कहते हैं उससे पर्पल कलर लिया जाता है। तो अगर हम लोग जामुन को खाते हैं तो हमारा जीभ जो होता है पर्पल कलर का हो जाता है। इस तरह से कई सारे कलर्स हम पेड़ पौधों से ही निकाला जाता है। ब्लॉकिंग प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग जो होता है वो ब्लॉक टाइप का इस तरह से यहाँ पे जो दिया गया है तो उसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। दिस कॉल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग। सिमिलर टाइप डिज़ाइन पिक्चर ऑन क्लॉथ ब्लॉक इज यूज्ड, मतलब एक ही ब्लॉक बार बार जो है यूज किया जाता है, उसको डिज़ाइन को बनाया जाता है। इट इज़ डन विथ वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का उसमें प्रिंट बना रहता है और उसी से वो डिज़ाइन किया जाता है। डिफरेंट डिजाइनर का एंड वुडन ब्लॉक एंड इट इज़ डिप्ड इन कलर एंड देन प्रेस्ड ऑन टू द क्लॉथ टू मैक डिफरेंट पैटर्न्स, तो यहाँ पे पैटर्न जो लकड़ी में बना रहता है उसी पैटर्न को कलर में डुबाया जाता है और फिर उस कपड़े पे लगाया जाता है। तो इस तरह से कपड़े में ब्लॉक प्रिंटिंग किया जाता है। इसके आगे प्रिंटिंग का और दूसरा दूसरा स्टाइल यहाँ पे बतलाया गया है, जैसे कि यहाँ पे वेजिटेबल प्रिंटिंग है। इट इज़ डन बाय कटिंग एंड डिपिंग वेजिटेबल्स सच एज पोटैटो इन पेंट्स, तो कुछ इस तरह के पेंटिंग किया जाता है, प्रिंटिंग किया जाता है, जैसे कि वो सब्जी के आकार का होता है तो इस तरह से उसको प्रिंट किया जाता है। द वेजिटेबल्स आर देन प्रेस्ड ऑन द क्लॉथ्स टू बी प्रिंटेड, तो वेजिटेबल्स से ही मतलब ऐसे कोई सब्जी होता है जो थोड़ा सा मजबूत हो, जैसे कि आलू हो गया वो कठोर होता है, तो उससे ही प्रिंट किया जाता है। तो उसको कलर में डुबा दिया जाता है और फिर उसको कपड़ों में ज़ोर से दबाया जाता है, इस तरह से बार बार किया जाता है। उसके बाद हो गया एम्ब्रॉयडरी। इट इज़ मेथड ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न्स ऑन ए क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ ए नीडल एंड कलरफुल थ्रेड्स, तो यहाँ पे अलग अलग कलर के थ्रेड्स धागे को यूज़ किया जाता है और कपड़ों पे ही डिजाइन किया जाता है, तो इसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है और यहाँ पे इसका कीवर्ड्स दिया हुआ है और आगे इसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये लास्ट चैप्टर है, ये देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे भरने के लिए दिया गया है, फिर इन द ब्लैंक्स कुछ भी भरा हुआ नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे वुडन ब्लॉक्स आर यूज टू मैक पैटर्न्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है इसमें और मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैच करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे है चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ब्लॉक प्रिंटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन ब्लॉक्स, यहाँ पे वुडन हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में वुडन। उसके बाद डाई वर्क फ्रॉम वेजिटेबल कलर इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल डाइज, यहाँ पे नेचुरल डाइज भराएगा। दुपट्टा इज ऑल्सो नॉन एज ओढ़नी एंड चुन्नी। सारी इज नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन ओमैन। उसके बाद अर्ली मैन कवर्ड देयर बॉडीज विथ ड्राई लिप्स और स्किन ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे कंप्लीट हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद ट्रू फॉल्स में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है ट्रू, फिर ट्रू, फॉल्स 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 और ट्रू, तो यहाँ पे सी डी ई जो है वो फॉल्स दिया हुआ है। इसको आपको पढ़ लेना है। वुडन ब्लॉक्स आर यूज्ड टू मैक पैटर्न बनाने के लिए, तो सही है। पगड़ी इज हेडगियर, तो ये भी सही है। पिंक इज वन ऑफ द बेसिक कलर, तो ये फॉल्स है। लॉ इज वन बाय मैन इन्वेंटर, तो ये सही नहीं है। उसके बाद टाई एंड डाई बिलोंग्स टू केरला, तो ये सही नहीं है। इन तमिलनाडु लुंगी इज कॉल्ड वेस्ती, तो ये सही है। अब आ गया मुख्य क्वेश्चंस जो है यहाँ पे। नेम 3 मेथड्स ऑफ मेकिंग पैटर्न्स ऑन क्लॉथ, तो यहाँ पे पैटर्न बनाने का डिफरेंट डिफरेंट तरीके उसकी विधि को पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं। द 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेकिंग पैटर्न्स ऑन क्लॉथ आर ब्लॉक प्रिंटिंग, वेजिटेबल प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी। यहाँ पे हो गया
फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद बी नंबर में वाई शुड कलर्ड क्लोथ्स बी वॉश्ड सेपरेटली, रंगीन कपड़ों को हमें अलग से क्यों धोने चाहिए। कलर्ड क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड सेपरेटली, रंगीन कपड़े हमें अलग करके धोने चाहिए। बिकॉज, क्योंकि दे कैन लीव देयर कलर्स, उसके कलर छूट सकते हैं, ऑन टू अदर क्लोथ्स, दूसरे कपड़ों पे उसका कलर्स जो है छूट के लग सकता है, इसीलिए रंगीन कपड़ों को हमें अलग करके धोना चाहिए। व्हाट आर द थ्री बेसिक कलर्स, थ्री बेसिक कलर्स जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे, द थ्री बेसिक कलर्स आर रेड ब्लू एंड येलो। व्हाट आर नेचुरल डाइज, डाइज मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आर कॉल्ड नेचुरल डाइज, यहाँ पे हो गया। और इन नंबर का क्वेश्चन, विच डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लुंगी आर वर्न इन आवर कंट्री, देर आर थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लुंगी वर्न इन आवर कंट्री, वेस्ती मुंडू तहमत। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म हो गया इसका, लुंगी का अलग अलग स्टाइल में लोग पहनते हैं और उसका नाम भी अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम बोला जाता है। नेम द रीजन्स फॉर वियरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, तो अलग अलग तरह से लोग कपड़ों को क्यों पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में द रीजन फॉर वियरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वेयर डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट कल्चरल रीजन बिलीव्स एंड करेंट स्टाइल, तो इसके पीछे कई कारण हैं, क्लाइमेट की वजह से या फिर वहाँ का संस्कृति सभ्यता या धर्म की वजह से या फिर उनका विश्वास जिस तरह से हो, जैसे मान्यता हो उसकी वजह से, और करेंट स्टाइल जो मॉडर्न स्टाइल होता है उसी को करेंट स्टाइल कहते हैं, तो उस अनुसार से लोग कपड़े बदल बदल कर पहनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, जहाँ पे मैच करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे ए नंबर में ए का कहाँ पे जा रहा है, ए का जा रहा है फोर नंबर में, यहाँ पे ए लिखा हुआ है फोर नंबर में गया, और बी का जो है वो थ्री नंबर में गया, और सी का यहाँ पे फाइव नंबर में, डी का गया वन नंबर में, और ई का गया टू नंबर में यहाँ पे। तो कंप्लीट हो गया है, इसी के साथ ये चैप्टर भी पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस बुक में जो कोई चैप्टर बचा हुआ है तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।